क्या आप लोग भी कंप्यूटर या लैपटॉप यूज़ करते हैं? क्या आप लोग भी इंटरनेट एक्सेस करते हैं अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में? और क्या आप लोग भी कंप्यूटर या लैपटॉप से इंटरनेट चलाते चलाते कोई भी सॉफ्टवेयर हो गया या फिर कोई भी फाइल हो गया या फिर कोई भी डाटा हो गया ये सब डाउनलोड करते हैं? तो आप लोगों ने देखा होगा वो जो फाइल रहता है वो विन और रार में रहता है ना? तो मैं आज आप लोगों को इसी के बारे में बताऊंगा, विन और रार होता क्या है और किस तरह से इसको डाउनलोड करना है, किस तरह से इंस्टॉल करना है, इसको यूज़ करने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं और आप लोग इसका जो है फाइल विन रार में कैसे बना सकते हैं। ठीक है, विन रार का जो फाइल होता है उसको आप लोग किस तरीक़ा से आप लोग नॉर्मल फाइल में कन्वर्ट करेंगे या फिर एक्सट्रैक्ट करेंगे, ये प्रोसेस भी मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहे दोस्तों, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप सबसे पहले ये जान लीजिए कि विन और रार को यूज इसलिए किया जाता है, या फिर आप लोग जर्नली देखे होंगे कि कोई भी जो है वेबसाइट या फिर कुछ में से आप लोग डाटा डाउनलोड करते हैं तो विन और रार में ही रहता है, खासकर सॉफ्टवेयर ये सब जो है विन और रार में देखने को मिलता है। ये इसलिए रहता है दोस्तों क्योंकि इससे फ़ायदा ये होता है कि जैसे कि हम लोग कोई भी डाटा उसमें ऐड करके रखे हैं, ठीक है, तो वो जो डाटा है वो करप्ट नहीं होता है, एक बात, और दूसरी बात उसमें कोई वायरस नहीं घुसता। ठीक है, तो ये सब की जानकारी किस तरीक़े से यूज़ करना है ये सारा प्रोसेस मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर के होम स्क्रीन पे। यहाँ से फिर हम लोग आ गए हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे, देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद यहाँ पर हम लोग गूगल क्रोम खोल लेंगे, मैं खोल लिया हूँ, आप भी खोल लेंगे, और जैसे जैसे स्टेप बता रहा हूँ उसी तरीका से आप लोग करेंगे। सबसे पहले आप लोग विन रार करके सर्च करेंगे, ठीक है, विन रार करके सर्च करेंगे, फर्स्ट वेबसाइट आएगा, ये देख सकते हैं विन रार 6.10 करके जो है ये वर्जन में है। ठीक है, तो इसको आप लोग यहाँ से विन रार इंस्टॉल मतलब डाउनलोड विन रार, तो यहाँ से आप लोग विन रार डाउनलोड करके है उसको आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। ये देख सकते हैं नीचे में है, उसको डाउनलोड करेंगे सिंपली आप लोग, ये मैं कर लेता हूँ डाउनलोड, जैसे उसी तरीके से आप लोग भी करेंगे। 3 MB का, 3.3 MB का जो है सॉफ्टवेयर है, कोई बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं है। ये देख सकते हैं डाउनलोड हो गए, यहाँ से शो फोल्डर करेंगे और यहाँ से रमेश एडमिनिस्टर करेंगे और उसके बाद यस दे देंगे। ठीक है, यस देने के बाद इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, और ये देख सकते हैं ये पूरा जितना भी ये सब सेलेक्टेड है ये सब फाइल को वो जो है सेलेक्ट करेगा या फिर दिखाएगा। ठीक है, तो आप लोग पूरा सभी को सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद ओके कर देंगे। ठीक है, ओके करने के बाद इंस्टॉल हो जाएगा, इसको डन करेंगे। डन करने के बाद देख सकते हैं इस तरीका से ओपन होगा। चलिए मैं आप लोगों को एक फाइल जो है ओपन करके दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ मेरे माय कंप्यूटर में एक एडोब फोटोशॉप का जो है फाइल है ना? ये देख सकते हैं एडोब फोटोशॉप CS6 करके है, ये देख सकते हैं। अब इसको मैं प्रॉपर्टी आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं जिप फाइल में है। ठीक है, तो ऐसा करके ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद यहाँ पर ये सब आएगा, उसको आप लोगों को कट कर देना है। ठीक है, यहाँ से मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ। यहाँ पर वही फाइल है जो अभी मैंने दिखाया आपको, उसमें फाइल में था एडोब फोटोशॉप का जिप फाइल में था, वही फाइल ये है। इसको यहाँ पर यहाँ से क्लिक करके आप लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एक्सट्रैक्ट करने
के लिए आप लोगों को कहाँ पर एक्सट्रैक्ट करना है वो लोकेशन आप लोगों को सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के बाद जैसे कि मैं डेस्कटॉप में सेलेक्ट करता हूँ और ओके कर देता हूँ। ओके करूँगा तो ये देख सकते हैं एक्सट्रैक्ट होना चालू हो जाएगा सिंपल हमारे फाइल में, ठीक है। जो जिप फाइल में है वो सिंपल फाइल में एक्सट्रैक्ट होना चालू हो जाएगा। तो समझ गए होंगे, ये देख सकते हैं इस तरीका से एक्सट्रैक्ट हो रहा है। दरअसल ये 1 GB से ज़्यादा का जो है फाइल है इसलिए इतना लेट ले रहा है, नहीं तो इतना लेट नहीं लेता, बहुत ही जल्दी हो जाता है, ठीक है। जितना बड़ा फाइल जैसा जैसा फाइल उसके हिसाब से वो एक्सट्रैक्ट होता है, ठीक है। देख सकते हैं आप लोग एक्सट्रैक्ट हो गया। अब इसको मैं मिनिमाइज करके आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए यही था हमारा जो है इस एक्सट्रैक्ट वाला जो फाइल है, जैसे कि मैं दिखाता हूँ आप लोगों को ये वाले जो है फाइल में, ये वाला जो है इसके अंदर जिप फाइल में इसके अंदर जो है था, ठीक है। तो उसी तरीके से एक्सट्रैक्ट होता है। और अगर आप लोगों को किसी भी फाइल को जिप में या फिर और कुछ भी में, रार में या फिर और बहुत सारे जो मैं दिखाया शुरू इंस्टॉल करते समय वो सारे फाइल्स में आप लोगों को बनाना है, तो यहाँ पर आप लोग अगर ऐसा करके ऐड करेंगे या फिर जो भी है ऐड करके आप लोग रार फाइल या ऐसे करके हैं, तो यहाँ से अगर आप लोग बनाएंगे तो आप लोग नहीं बना पाएंगे, ठीक है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से आप लोग नहीं बना पाएंगे। तो यहाँ से आपको कट करना है, इसको भी कट करना है और डायरेक्ट आप लोगों को खोलना है विन और रार करके, आर प्रोग्राम पे जाना है और आपको ये दिख जाएगा विन रार करके है इसको, और आप लोगों को इसको ओपन करना है, ठीक है। इसके बाद आप लोग यहाँ पर आप लोग ऐसे करके पूरा बैक कर लेंगे, ठीक है। बैक करने के बाद आप लोग यहाँ से ऐड करेंगे, ऐड करेंगे यहाँ पर आप लोग जिसको भी करना चाहते हैं, यहाँ से फाइल में सेलेक्ट करेंगे और पिन पर क्लिक करेंगे और डेस्कटॉप में जाएंगे। डेस्कटॉप में जाने के बाद जो भी फाइल है वो सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से मैं कर लेता हूँ अपना फाइल सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद ये देख सकते हैं यहाँ पर आ गया। यहाँ पर जिप फाइल में करना है किस में करना है यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अगर यहाँ पर जो भी आप लोग सेलेक्ट किए वो नहीं आया है तो यहाँ से ब्राउज करेंगे, ब्राउज में जाकर टेस्टिंग फाइल पे ओके करेंगे, सेव करेंगे, ठीक है। इतना हो गया। यहाँ से फिर से यहाँ पर ऐसे करके ये देखिए ये हो गया सेलेक्ट, ठीक है। यहाँ से ओके करेंगे, यहाँ पर आप लोगों का जो है फाइल बन गया, ठीक है। ये देखिए अब यहाँ पर ऐसे करके ये देखिए वही फाइल बन गया है आपको मैं दिखाया था। और यहाँ पर ये देख सकते वही दोनों फाइल है, ये फोटो है और ये जो KD करके जो है नॉट पैड का फाइल था वो है, ठीक है। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं ये और ये था और यही बन गया, ठीक है। तो उसी तरीके से आप लोग बना सकते हैं जो भी विन मतलब जिप फाइल में, RAR फाइल में, ये सब फाइल में आप लोग बना सकते हैं। देख सकते हैं इसमें ऐसे करके कौन कौन से फाइल, ये RAR 4 करके बना सकते हैं, RAR बना सकते हैं, जिप फाइल में बना सकते हैं, है ना। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो एक लाइक ज़रूर करें और अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे रेड बटन है उसको क्लिक करके सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को ऑल में सेलेक्ट करें ताकि इसी तरह के रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर। बाय बाय।